हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। ये क्वेश्चन आपको 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसी टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रूव डेट साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा में रूट अंडर एक्स प्लस है इक्वल टेन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई ए। हम लोग क्या करना, प्रूफ करना होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं लोग, ध्यान दीजिएगा बुआ। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा बुआ। तो ध्यान दीजिए बुआ, क्या साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए, क्या करना, लेट मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं कि लेट साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे, क्या करना है, रूट अंडर एक्स प्लस ए बराबर क्या मान लीजिए, थीटा मान लीजिए, क्या करना है, थीटा मान लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वो, ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कि रूट अंडर एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतना तो समझ में आया। अब ध्यान दीजिए बउआ, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है, क्या होता है, पी बटे क्या होता है, एच होता है। इसमें देखिए पी का मान कौन बन रहा है, इसमें पी का मान आपको बन रहा है रूट अंडर एक्स, और एच का मान क्या बन रहा है, रूट अंडर एक्स प्लस ए बन रहा है। तो ये क्या करना है, राइट एंगल ट्रेंगल है वो बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा वो, यहाँ पे समकोण त्रिभुज को बना लीजिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बना लीजिए बुआ। यहाँ पे इसको मान लीजिए ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, सी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा पी बाई एच, तो पी का मान कितना, रूट एक्स हो रहा है, रूट एक्स लिख दीजिए, और एच का मान कौन है आपका, एच का मान क्या है, एक्स प्लस क्या, ए हो गया। अब निकालना क्या, बी निकालना है, तो मतलब बेस निकालना है। तो ध्यान दीजिए जो जो मान दिया उसको सबसे पहले लिख लीजिए, पी इक्वल टू आपको दिया गया है रूट अंडर एक्स, और एच बराबर क्या दिया गया है आपको, एच बराबर दिया गया रूट अंडर एक्स प्लस ए दिया गया है। निकालना क्या हम लोग को, बी मतलब बेस निकालना है, बेस इक्वल टू क्या, वाट हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ फॉर्मूला होता है बेस बराबर क्या होता है, बी इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, क्या होता है वो, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे, तो एच का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, एच का मान आपको दिया गया है कि रूट अंडर एक्स प्लस ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर माइनस पी का मान कितना है, रूट एक्स, रूट एक्स का क्या, होल स्क्वायर दिया गया है। कोई दिक्कत, ये देखिए ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ई भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा हम लोग के पास, रूट अंडर एक्स प्लस ए और क्या, माइनस एक्स बचा, माइनस एक्स बचा। अब ध्यान दीजिए यहाँ प्लस में एक्स है, यहाँ माइनस में एक्स है, तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो क्या बचेगा हम लोग पास, सिर्फ रूट ए बचेगा। तो रूट ए, रूट ए किसका माना गया, बी का माना गया, किसका माना गया बगवा, तो ये बी का माना गया हम लोग को, मतलब बेस का यहाँ पे मान कितना आ गया, रूट अंडर ए आ गया। अब निकलना क्या है, टेन थीटा, क्या करना है, टेन में प्रूफ करना है ना बुआ, तो क्या लिखेंगे, टेन थीटा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे लोग कि tan थीटा बराबर क्या होता है, P बटे क्या, P बटा B होता है, P बटा B होता है, याद रखिए क्या होता है, P बटा B होता है, ध्यान दीजिएगा वो। अब देखिए ये बोगा क्या करना है, थीटा यहाँ रहेगा, इधर जाएगा तो इनवर्स पे जाएगा tan, तो इसको लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स P बटे क्या, B लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा बुआ, तो थीटा ही रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ tan इनवर्स, अब देखिए पी का मान कितना दिया गया, यहाँ पी का मान देखना है बुआ, पी का मान कितना, रूट एक्स है, क्या है, रूट एक्स है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बुआ, रूट एक्स, देखिए तो ये क्या लिखेंगे बुआ, यहाँ पे रूट एक्स, और देखिए बी का मान कितना है, तो बी का मान अभी हम लोग आया है क्या, रूट अंडर ए आया है, क्या आया बुआ, रूट अंडर ए, तो बटा में क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए आ गया। कोई दिक्कत। अब देखिए थीटा क्या माने थे, ध्यान दीजिए थीटा क्या माने थे, यहाँ पे क्या माने थे लोग कि साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाई रूट अंडर एक्स प्लस ए माने थे। तो थीटा के जब क्या लिख सकते हैं लोग, साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटा रूट अंडर एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा हल्का, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा बुआ, थोड़ा सा यहाँ लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स थीटा की जगह पे साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बटे रूट अंडर एक्स
प्लस ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इक्वल में आपको कितना आ गया हम लोग के पास, देखिए तो यहाँ क्या दिया है कि हम लोग के पास दिया गया है कि टेन इनवर्स। अब देखिए ये दोनों एक रूट में कर सकते हैं ना, आराम से रख सकते हैं, लिख दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स बाई क्या ए हो गया। अब देखिए दोनों क्या बराबर हो गया, एल एच एस बराबर क्या आर एच एस आ गया, एल एच एस बराबर क्या आर एच एस आ गया, तो लिख देंगे यहाँ एल एच एस बराबर आर एच एस, आर एच एस हो गया, कोई दिक्कत, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे दो नंबर, देखिए दो नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है होगा, ध्यान दीजिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है ध्यान दीजिएगा, कह रहा है सो डेट टू टेन वर्स वन बाई फाइव प्लस टेन वर्स वन बाई फोर इक्वल टेन वर्स क्या दिया है बत्तीस बटा तैतालीस दिया गया है। इसको क्या करना हम लोग को प्रूफ करना, शो करना है या दिखाना है कि इतना हम लोग को आना चाहिए, ठीक है। तो क्या करना, सबसे पहले एल एच एस ले लीजिए, एल एच एस में आपको दिया गया ध्यान दीजिएगा वो एल एच एस ले लीजिए, तो एल एच एस में आपको दिया गया है कि टू टेन इनवर्स वन बाई फाइव फिर प्लस टेन इनवर्स वन बाई क्या फोर दिया गया है, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ तो दिया गया है टू टेन इनवर्स वन बाई फाइव, तो एक फॉर्मूला होता है वो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला यूज करके उसके बाद इसको हम लोग बनाएंगे लोग, सबसे पहले क्या ये क्या टू टेन इनवर्स दिया गया है तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा, एक फॉर्मूला होता है टू टेन इनवर्स एक्स, जब भी टू टेन इनवर्स एक्स दिया जाएगा और टेन में ही, देखिए यहाँ भी टेन है टेन में ही तोड़ेंगे, टू टेन इनवर्स का तीन फॉर्मूला होता है बाबू, तो हम लोग क्या है टेन का ही फॉर्मूला टेन में ही लगाएंगे, क्योंकि देखिए कौन का फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, तो हम लोग टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला होता है टेन में कि टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो टेन हो गया। दो और होता है एक साइन एक कॉस में होता है, तो एक साइन और कॉस भी लिख लीजिए याद रखिएगा आप लोग भी, तो टेन टू टेन इनवर्स एक्स बराबर होता है एक साइन में होता है, क्या होता है कि साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है। देखिए इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ है प्लस है, याद रखिएगा लोग, टेन वाला में माइनस होगा और साइन वाला में क्या प्लस होगा। एक और होता है टू टेन इनवर्स का, क्या होता है टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कि कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर होता है, ये तीनों फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग को जरूरत कौन है टू टेन वर्स एक्स किस में, टेन में ही, टेन वर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला क्या करेंगे यूज करेंगे। तो ध्यान दीजिए कहा यूज करके भी यहाँ टेन में ही दिया गया, इसलिए हम टेन में यूज करेंगे यहाँ पर। तो इसके देखिए यहाँ एक्स का मान इसमें कौन हो गया वन बाई फाइव हो गया, तो इसको लिख सकते हैं वो ध्यान दीजिएगा कि टेन इनवर्स, अब देखिए टू एक्स, टू एक्स, एक्स का मान कितना वन बाई फाइव, तो वन बाई फाइव फिर बटा में वन माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स का मान कितना है वन बटा फाइव, तो वन बाई क्या फाइव लिख देंगे, कोई दिक्कत, स्क्वायर था स्क्वायर का कोई दिक्कत। चलिए फिर प्लस ये जो है ना टेन इनवर्स वन बाई फोर, इसे साथ में चलेंगे टेन इनवर्स फोर का फोर आने दीजिए, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो टेन इनवर्स, अब ध्यान दीजिए वो टू में एक्स, टू में वन से गुणा करेंगे टू आ गया, बाई में क्या फाइव हो गया। अब ध्यान दीजिए नीचे क्या बचा, वन माइनस वन बाई फाइव का होल स्क्वायर दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा वन का तो वन होगा माइनस वन का स्क्वायर वन हो गया बटा पांच का स्क्वायर क्या पच्चीस होता है, क्या होता है पांच का स्क्वायर पच्चीस होता है, कोई दिक्कत। फिर प्लस में प्लस टेन इनवर्स, टेन इनवर्स वन बाई फोर का वन बाई फोर रहने दीजिए, कोई दिक्कत बोगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा इसका क्या करना बटा का घटाव कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स दो बटा पांच का दो बटा पांच रहने दीजिए। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा पच्चीस आएगा, पच्चीस आ जाएगा, पच्चीस से वन से भाग करेंगे पच्चीस से गुना करेंगे तो क्या पच्चीस ही आ जाएगा एक में, फिर माइनस पच्चीस से पच्चीस कैंसिल क्या बचेगा एक बचेगा, फिर प्लस क्या बचेगा इधर हम लोग को टेन इनवर्स वन बाई फोर का वन बाई फोर दीजिए। ये देखिए पांच नंबर में आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है हम लोग के पास, टेन इनवर्स दो बटा पांच का दो बटा पांच हो गया, फिर बटा पच्चीस में से एक जाएगा तो क्या बचेगा चौबीस बचेगा, बटा में क्या है पच्चीस तो पच्चीस हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस टेन इनवर्स वन बाई फोर का वन बाई फोर रख दीजिए, कोई दिक्कत। अब देखिए इसको पलट दीजिए तो क्या क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा कि टेन इनवर्स, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो क्या हो जाएगा टू बाई फाइव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या पच्चीस ऊपर चला जाएगा, अब बटा में क्या रह जाएगा चौबीस हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस का प्लस टेन इनवर्स वन बाई फोर का फोर रन दीजिए, कोई दिक्कत। अब ये कट रहा है पांच से पचास पच्चीस हो जाएगा, ये क्या दो से क्या हो बारह मरता हुआ बारह चौबीस हो जाएगा, तो क्या बचा हम लोग के पास ऊपर बचा क्या टेन इनवर्स, टेन इनवर्स फाइव बटा में क्या बचा ट्वेल्व बचा, फिर प्लस टेन इनवर्स वन बाई फोर। अब देखिए ये कौन फॉर्मूला बन रहा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला पर ये बन रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखिए एक फॉर्मूला होता है बुआ कि टेन इनवर्स एक्स प्लस
टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स इंटू वाई होता है, याद रखिएगा यही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। एक्स का मान कितना है 5/12 और वाई का मान 1/4 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे लोग कि टेन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई, तो एक्स का मान कितना है 5/12 है, फिर प्लस कितना है वाई का मान 1/4 है, फिर बटा में क्या करेंगे फिर बटा करेंगे 1 माइनस x इंटू वाई, तो 1 माइनस x इंटू वाई, तो x का मान कितना 5/12 इंटू और 1/4 है, तो 4 देंगे, कोई दिक्कत यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, अब देखिए ऊपर वाले के पहले बटा का करेंगे जोर कर देंगे, तो बटा का जोर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 12/4 का एलसीएम लीजिएगा, तो वो क्या करना है देखिए 12/4 का एलसीएम लीजिए तो 12 × 4 लिख दीजिए, देखिए आसान रहेगा। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल बचेगा, 4 बचेगा, 4 में किससे गुणा करें 5 में, 4 5 क्या 20 होता है, फिर प्लस का प्लस 4 से 4 कैंसिल, 12 बचा, 12 में किससे गुणा करेंगे 1 से करेंगे तो क्या जाएगा 12 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत, फिर बटा उसी प्रकार यहाँ देखिए इसमें गुणा करेंगे, अब देखिए 5 में 1 से गुणा 5 हो जाएगा, 12 में 4 से गुणा करते 12 × 4 लिख सकते हैं, यहाँ देखिए बटा में इसका एलसीएम कर लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे तो क्या जाएगा 12 × 4 आ जाएगा। अब देखिए अब ये दोनों में गुणा करके इससे भाग करेंगे, अब 12 × 4 में 1 से भाग करेंगे तो 12 × 4 आएगा, फिर 1 में गुना करेंगे 12 × 4 में तो क्या 12 × 4 आ जाएगा, 12 × 4 में गुना करते क्या 48 आ जाएगा, क्या जाएगा वो 48, कोई दिक्कत, फिर क्या माइनस का माइनस 12/4 से 12/4 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा ऊपर 5 बचेगा, क्या बचेगा वो 5 बचेगा, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, इसीलिए हम लोग क्या किए हैं गुना में लेकर एलसीएम ले लिए लोग, ये तो कटने वाला था तो कट गया, कोई दिक्कत। चलिए अब ध्यान दीजिए ऊपर वाले का जोड़िए कितना आ रहा है, देखिए ऊपर वाला की जोड़िए टेन इनवर्स तो क्या बचा 20 को और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा, क्या आएगा 32 आएगा, फिर बटा में 48 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 43 बचेगा, क्या बचेगा बाबू 43 बचेगा, तो हम लोग को यही ना प्रूफ करना था बाबू, हम लोग को यही ना प्रूफ करना था, हम लोग को यही प्रूफ करना था, देखिएगा क्या प्रूफ करना था, ध्यान दीजिएगा क्या प्रूफ करना था वो ध्यान दीजिएगा कि टेन इनवर्स 32/43, तो 32/43 हम लोग का आ गया। चलिए उसी प्रकार एक और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा 2025 एग्जाम में, ये हर हाल में ये क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। ध्यान दीजिए क्या दिया गया है कि प्रूव डेट sec स्क्वायर टेन बस 2 प्लस cosec स्क्वायर cotan बस 3 इक्वल 15 प्रूफ करना है, क्या करना वो 15 प्रूफ करना, तो ध्यान दीजिए इसमें भी क्या करना है LHS ले लीजिए, LHS ले लीजिए बहुत आसान तरीके से बन जाएगा भी, तो LHS में आपको दिया गया है जो दिया गया लिख लीजिए पहले कि sec स्क्वायर टेन इनवर्स 2 फिर प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 दिया गया, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे यार देखिए sec स्क्वायर मान लीजिए पूरा क्या है sec स्क्वायर x है, x का कौन काम कर रहा है tan इनवर्स 2 काम कर रहा है, देखिए sec का क्या एंगल है ये, तो ध्यान दीजिए sec स्क्वायर x पढ़ेंगे इसको, cosec स्क्वायर x पढ़ेंगे इसको, ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है याद रखिएगा बउआ, एक फॉर्मूला होता है कि sec स्क्वायर x बराबर फॉर्मूला होता है 1 + क्या tan स्क्वायर x होता है, ठीक है होता है ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, तो यहाँ x का काम तो ये क्या है tan इनवर्स 2 कर रहा है ना, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 1 tan स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 2 लिख सकते हैं, क्योंकि x का काम तो ये कर रहा है, इसको लिख सकते हैं ध्यान दीजिए 1 इसको लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर, और x का काम तो ये मेरा कर रहा है ना tan इनवर्स 2 कर रहा है, इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 2 का 2 हो जाएगा क्योंकि एंगल है ये, फिर प्लस उसी प्रकार के वार फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर x का, ध्यान दीजिएगा यहाँ cosec स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 cot स्क्वायर x होता है, तो वहां पर भी सेम इसी टाइप से रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू 1 cot स्क्वायर और क्या cot इनवर्स 3, क्योंकि x का काम क्या cot इनवर्स 3 कर रहा है, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए वो 1 का तो 1 होगा, फिर प्लस अब देखिए ये tan स्क्वायर है और tan इनवर्स 2 है, तो इसको लिख सकते हैं बुआ कि tan और tan इनवर्स 2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर प्लस 1 का 1, फिर प्लस यहाँ पे भी उसी तरह cot और cot इनवर्स 3 का क्या होल स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए tan और tan इनवर्स से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 1 + क्या 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस उसी प्रकार 1 का 1 + का प्लस
कॉट और कॉट इनवर्स से कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, थ्री बचेगा, तो क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए बाबा, यहाँ पे वन का वन तो वन प्लस दो का स्क्वायर चार हो गया, फिर प्लस वन का वन, फिर प्लस तीन का स्क्वायर कितना, नौ आ गया। अभी सबको जोड़ेंगे तो क्या जाएगा बउआ, एक और चार पांच, पांच पांच एक छ, छ छ छ नौ कितना होता है, पंद्रह होता है। तो क्या गया, पंद्रह। हम लोग को यही ना प्रूफ करना था बउआ, तो हम लोग का यही प्रूफ हो गया बउआ, पंद्रह प्रूफ हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पंद्रह प्रूफ करना था तो पंद्रह हम लोग का प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम लोग तीन क्वेश्चन किए हैं जो कि तीनों मोस्ट वीवीआई 2025 एग्जाम में आपको पूछने वाला है। आपको क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।